हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। मैं हूं सोनिया सिंह। आज हम कैनवास को कैसे तैयार कर सकते हैं घर पे, वो सिखाने वाली हूं। ये कोई हम होममेड कोई कैनवास तैयार नहीं कर रहे। हम जो मार्केट वाला कैनवास आता है उसको आप कैसे स्टिच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या आप साइज बनाना चाहते हो, कितना बड़ा आपने साइज लेना है। तो मैं यहाँ पर मैं एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में दूंगी। तो यहाँ पर उसी की हम कैनवास तैयार कर रहे हैं। तो साइज मैंने काफी बड़ा लिया है, 4.5 फीट का साइज है। तो उसके जो कैनवास तैयार कर रही हूँ तो सोचा कि आप लोगों को भी सिखा दूंगी कैनवास तैयार कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी लकड़ी लगती है, किस तरह का स्टेपलर लगता है, तो उसमें क्या चीजें होती है और किस तरीके से आपने तैयार करना है, खींचना है नहीं खींचना है, तो उसको कैसे पूरा सेट करना है, वही सारी डिटेल आज आप लोगों को पता चलेंगे कि मार्केट वाले किस तरह से स्टिच कैनवास को आपको प्रोवाइड करते हैं। कि एक कैनवास दो तरह के होते हैं, एक आता है कि आपका एमडीएफ बोर्ड होता है 2 mm का, उसके ऊपर पेस्ट करके दे दिया जाता है। दूसरा होता है कि आपका जो फ्रेम होता है, जो 1 इंची या 1.25 इंची चौड़ी जो पट्टी होती है वो कौन सी लकड़ी की होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो आप मेरे पीछे आर्ट देख रहे हैं ये तीनों अलग अलग आर्ट हैं, अलग अलग फ्रेम में है। नीचे ये क्ले वर्क है, ये कैनवास पेंटिंग है, और जो आप पीकॉक देख रहे हैं वो रेजिन वर्क है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी तरह के आर्ट हैं जिनके बारे में लोग पूछना चाहते हैं कि मैं कौन कौन से आर्ट करती हूँ। तो मैं बहुत तरह के आर्ट करती हूँ जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, और जो लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास भी मेरी अवेलेबल है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी आप क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी जो मैं आपको कैनवास दिखाने वाली हूँ बहुत बड़ा साइज मैंने लिया है, तो जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा मैं उसको बनाऊं उतना ही बड़ा आप भी बनाएं। उसको किस तरीके से छोटा आप लोग बना सकते हैं तो पूरी की पूरी डिटेल ही क्लास में होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है कि मैं इसको कैसे करूंगी या मैं इसको कैसे करूंगा। तो बहुत दूर दूर से लोग क्लास भी ज्वाइन करते हैं, हर स्टेट से लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। 3D श्रीनाथ जी में भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को देखा भी होगा किस तरह का हमारा पीस बना है। तो अब ये मैं कैनवास के ऊपर, क्योंकि सब लोगों को तंजोर नहीं बनाना होता है, जिन लोगों ने बनाया है तो वो भी कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास में टेक्सचर पेंटिंग लेकर आ रही हूँ, तो जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए फटाफट से कैनवास को सेट करना स्टार्ट करते हैं कि कैनवास को हमने कैसे मापना है। तो ये हमारा रोल है, तो जैसे कि मैंने बताया 4.5 फीट है, तो आपका 54 इंच का ये फ्रेम है जो हमने लकड़ी का तैयार किया है। ये लकड़ी मुड़ती नहीं है, बहुत अच्छी लकड़ी होती है, तो लंबाई ज़्यादा है तो इसलिए बीच में इसमें एक और लकड़ी लगाई गई है ताकि फ्रेम लचक ना लगाए, हल्की सी लचक आ जाती है वो चीज़ ना रहे जब हम इस पर काम करें। तो इसकी हम कटर से कटिंग कर लेते हैं, या फिर आप कैंची से काटना चाहे तो कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेम है तो 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी है, तो इसको फ्रेम करने के लिए हमने इसमें 3 इंच चौड़ाई, एक साइड आपने देखा बिल्कुल भी जगह नहीं ली, एक साइड हमने 3 इंच, क्योंकि 1.5 इंच हमें जगह चाहिए ही इसको फ्रेम करने के लिए। नहीं तो इसको बीच में रखे कि 1.5 इंच दोनों तरफ छोड़ के, हमने जैसे एक तरफ ले लिया हम दोनों तरफ छोड़ के भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्टेपलर के साथ हम खड़ा करके इसको स्टिच कर रहे हैं, ना कि ज़मीन पर लेटाकर। नीचे ज़मीन पर लेटाकर उतना नहीं खींच पाते हैं, तो पीछे की तरफ हमने लगाना है, साइड पे नहीं लगाना है। एक तरफ से जब इसकी खींच के लगा लिया है तो दूसरी तरफ से पूरा इसको खड़ा करके खींचना है। देखिए भैया ये किस तरीके से खींच के इसको लगा रहे हैं, तो इसमें स्टेपलर करते जाएंगे, एक जगह से खींचना है फिर उसको स्टेपलर कर देना है। पूरा प्रोसेस इसका इसी तरह से चलता है, क्योंकि कहीं भी ना तो बहुत देखो टाइट होना चाहिए कैनवास, ना ही ढीला, कि ब्रश उस पर हल्का सा उछले, इतना टाइट कैनवास होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके कॉर्नर भी हमने बाद में सेट करने होते हैं, पहले हम दोनों साइड का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर को किस तरह से फोल्ड किया जा रहा है, और इसमें स्टेपलर कर देते हैं साथ के साथ, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको कट कर देते हैं। तो अब देखिए, अब जिस दोनों तरफ से हुआ था अब इसको लेटा लिया है, लेटा लिया मीन्स टेबल पे लेटा लिया है, और तब इसको खड़े करके एक तरफ से खींच रहे हैं और स्टेपलर थोड़ी थोड़ी दूरी पर करते हुए जा रहे हैं। नीचे ज़मीन पर बिल्कुल नहीं लेटाना, एक तो हमारा कैनवास गंदा हो जाएगा और जितने इसको खींचना चाहते हैं वो चीज़ नहीं आएगी।
तो इसीलिए इसको खड़ा करके तब स्टिच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लगाएं। अगर इसके ऊपर क्ले वर्क भी कर रहे हैं तो उसके लिए स्टेपलर को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है, जैसे 4 इंच या 5 इंच की दूरी पर अभी हम लगा रहे हैं, तो बाद में इसको सेट कर देंगे 2-2 इंच की दूरी पर। तो अब इसकी कॉर्नर को कैसे सेट करना है वो आप देख लीजिए। ये स्टेपलर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। कैनवास आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात होती है कि आप पेंटिंग कैसी बनाते हो, कैनवास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखो कटर से जो एक्स्ट्रा है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा, तो इसको फोल्ड करते टाइम ही कट कर दो, नहीं तो जब कैनवास को हम दीवार पर लगाएंगे तो वो पीछे की तरफ से थोड़ा उठा उठा रहेगा, तो एक्स्ट्रा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले इसको कटिंग ना करें, क्योंकि जिस टाइम हम फोल्ड कर रहे होते हैं उसी टाइम हमें पता चलता है कि कहाँ से हमारा कितना कपड़े को खींचा जा रहा है, ये कैनवास को हमने कितना खींचा है। लकड़ी का जो फ्रेम बनाने के लिए हमारा अरंडी की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, चीड़ की लकड़ी का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी अरंडी की लकड़ी होती है। आप किसी भी आरा मशीन के पास जाओगे, उससे बोलोगे कि हमें ये वाली लकड़ी चाहिए, तो वो आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे। किसी भी शॉप से आप ले सकते हो जहाँ पे आरा मशीन होती है, उसके आप पास आपको इजीली मिलेगी। तो ये लकड़ी मौसम में ना मुड़ती नहीं है, जैसे बारिश के मौसम में थोड़ा क्या होता है हल्का सा बैंड हो जाता है, तो ये वाली लकड़ी बैंड नहीं होती है। आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी बैंड नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर कितने पास पास ये स्टेपलर कर दिए हैं, अब ये कहीं नहीं जाएगा। और एक्स्ट्रा जो पीछे की तरफ कैनवास है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो पीछे बिना मतलब ऐसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हाथ के हाथ जहाँ तक हमारी लकड़ी है उसके पास तक कट कर दो, ये पट्टी को निकाल दो। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि जब हम लेते हैं तो 3 इंच हमने लेना ही लेना है, लेकिन थोड़ा बहुत जब खींचते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कम ना पड़े बेटर है। अगर इतनी इतनी पट्टी अगर वेस्ट जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाले कैनवास को हमने जो पेयर है, ये 3 का पेयर हमने तैयार किया है, तो इसके ऊपर हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो मैं जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर ले रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैसेज करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग तैयार करना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैंने ये बताया है। तो इसी तरीके से कुछ नया लेकर जल्दी ही मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड बाय।